हम अब मांडू से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं इंदौर, जो यहाँ से करीब गूगल मैप्स दिखा रहा है 85 किलोमीटर। तो अब हम इंदौर पहुंचेंगे, लेकिन ऑन द वे अभी भी आपको कुछ चीजें दिखाएंगे एक दो। ये गेट है दिल्ली गेट, इसको एंटर करने के बाद मेन मांडू शहर के अंदर एंटर होते थे। ऐसे ऐसे टोटल 12 गेट हैं। तो जैसे दिल्ली दरवाजा था वो बहुत ग्रैंड था, ये वैसे एक छोटा दरवाजा है, गढ़ी दरवाजा, ये रोड पे ही है। तो ये एक और गेट आ गया रोड पे। तो एक कम से कम 4-5 गेट हमने क्रॉस कर लिए हैं। इस गेट का नाम है आलमगीर गेट। तो 12 दरवाजे हैं टोटल, मेरे ख्याल से सारे दरवाजे लेकिन ऐसे नहीं है कि रोड पे ही हैं। तो मांडू से और इंदौर की तरफ जब जाते हैं, या इंदौर से जब आप मांडू की तरफ आएंगे, तो मांडू से 4 किलोमीटर पहले ये फॉसिल म्यूजियम पार्क है। यहाँ पे ये डायनो पार्क है, इसके अंदर फॉसिल्स भी दिखाए गए हैं डायनासोर के, और बच्चों के लिए एक अच्छा पार्क है, 20 रुपये की इसकी टिकट है। तो मांडू से 5 किलोमीटर पहले इंदौर वाले रोड पे है ये जगह काकड़ा खो, इधर छोटी सी मार्केट है। तो ये है काकड़ा खो वैली, ये एकदम ऐसे एक वैली टाइप है, इधर भी पहाड़ बीच में पूरी वैली है। इधर है ना, जब मानसून होता है तो बड़ा ज़बरदस्त वाला वाटरफॉल होता है। इस टाइम तो अभी एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है। तो ये अच्छी जगह है, अच्छा स्टॉप ओवर है मांडू से 5 किलोमीटर पहले इंदौर रोड पे। अगर आप इंदौर से आ रहे हैं तो मांडू से 5 किलोमीटर पहले ये जगह है। तो अब इंदौर के लिए निकल गए हैं। तो ये करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद नालछा करके एक जगह आई है, यह है कोई नालछा करके बाजार। तो जो अभी हम चल रहे हैं एमपी स्टेट हाईवे 31 धार मांडव मार्ग है इसका नाम। तो रोड लेकिन काफी अच्छी है, अभी तक मांडव से लेके यहाँ तक है ना रोड बहुत अच्छी थी। तो अब ये रोड है ना थोड़ा चौड़ा हो गया, अब हम प्लेन्स में आ गए। एक्चुअली जो मांडू है वो तो हिल्स पे है, तो अब हम एकदम प्लेन में आ गए, तो एकदम स्ट्रेट रोड हो गया है। हमने मांडू से जो धर वाला हाईवे था, स्टेट हाईवे 31, उसको छोड़ दिया है, उससे राइट ले लिया है, एंड रोड ये थोड़ा पतला हो गया है लेकिन ये भी ठीक है। 20 किलोमीटर चलने के बाद मांडू से हम पहुंच गए हैं बगड़ी। और जब ऐसे छोटे छोटे कस्बों के बीच में से निकलते हैं ना एमपी के, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक प्योर वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है और सारी चीज़, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हम एमपी के बिल्कुल छोटे से गांव टाइप से बीच में से निकल रहे हैं। पीछे वैसे गोविंदपुरा 3 या 4 किलोमीटर लिखा था हमसे 2-3 किलोमीटर पहले, अब मुझे ये नहीं पता है गोविंदपुरा है क्या है ये, लेकिन काफ़ी छोटा सा है। ये आ गए हम नेशनल हाईवे पे, ये चित्तौड़गढ़ खरगोन हाईवे लिख के आ रहा है इसका नाम। यहाँ पे आते ही हमारी स्पीड एकदम से बढ़ गई है कार की। तो एक बहुत छोटा सा ये कस्बा है एकलदुना, इस जगह का नाम है। तो ये आ गए हम इंदौर धार रोड पे। तो ये डबल लेन का बहुत बढ़िया रोड आ गया है, अब तो मेरे ख्याल से इंदौर तक ये पूरा ऐसे डबल लेन का बढ़िया ही रोड रहेगा। अब यहाँ से डॉट 40 किलोमीटर एग्जैक्टली दूर बचा है इंदौर। जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये है NH 47, और ये अहमदाबाद इंदौर रोड है। तो इंदौर से अहमदाबाद जाती है रोड ये, एंड इस पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। तो इंदौर से हम हैं 35 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे आया है टोल प्लाजा। आई थिंक 160 रुपीज़ का ये यहाँ पे जो टोल टैक्स है। तो ये बेटमा करके कोई शहर आया, ठीक ठाक बड़ा दिख रहा है मैप में, यहाँ का बड़ा ही टाउन होगा। लेफ्ट में जो रास्ता गया है सीधे शहर के अंदर गया है, और हम ले रहे हैं बाईपास पे। तो ये बेटमा बाईपास पे चढ़ गए हम, एंड 30 किलोमीटर्स रह गए इंदौर। हम इंदौर से करेक्ट 10 किलोमीटर पहले हैं, और ये नवदा पंथ करके जगह आई है, ये आउटस्कर्ट्स में इंदौर के। तो बेसिकली अब इंदौर का आउटस्कर्ट शुरू हो गया है। ये आ गया सीरपुर, और हमारे राइट में चल रही है सीरपुर तालाब, सीरपुर लेक मैप में दिख रही है। तो ये हम इंदौर पहुंच गए हैं, 2 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम लगा हमें पहुंचने में इंदौर। रोड ओवरऑल काफी अच्छी थी, एंड 86 किलोमीटर के करीब होगा मांडू से इंदौर। अभी हम पहुंच गए हैं लाल बाग पैलेस इंदौर में। तो हम आ गए हैं लाल बाग पैलेस इंदौर में, काफी बड़ा पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पे लिखा है लाल बाग पैलेस, नेहरू सेंटर लाल बाग इंदौर है आज की में इसका नाम। और ये तुकोजी राव 2, 3 एंड शिवाजी राव ने, तीनों ने मिलके थोड़ा थोड़ा इसमें काम करा है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया, उसके पास है। तो लालबाग पैलेस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है टिकट घर, 25 रुपये की इसकी टिकट है, एंड सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक ये खुला होता है, मंडे को होता है क्लोज। तो अंदर एंटर करते सबसे पहले नेहरू जी की आपको मिलेगी मूर्ति देखने को, मल्हार राव होलकर, जिन्होंने होलकर डायनेसिटी की शुरुआत करी थी इंदौर में। और ये हैं देवी अहिल्याबाई होलकर। तो ये है असेंबली हॉल, एंड मैं बता रहा हूँ
आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया में हैं। इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना पूरी यूरोपियन स्टाइल में है, अमेजिंगली ब्यूटीफुल है, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। मतलब ये वीडियो में तो आप लगा लो आपको 10-20% ही दिख रहा है, अगर आप खुद आके देखेंगे ना बहुत ही अमेजिंग है। तो जो प्राग पैलेस है ना इसका डिज़ाइनिंग पूरा उससे लिया गया है जो चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। तो ये है क्राउन हॉल और अब तक के जितने भी रूम देखे हैं ना उसमें सबसे अमेजिंग ये है। ये पूरी यूरोपियन स्टाइल का है, इसमें जो ऊपर पेंटिंग है एंड सब कुछ। ये है सिटिंग रूम, ये है वेस्टर्न डाइनिंग रूम। ये लालबाग पैलेस अमेजिंगली ब्यूटीफुल पैलेस है, मेरे ख्याल से ऐसा दूसरा इंडिया में होगा नहीं जितना यूरोपियन स्टाइल में ये बना है। और प्राग का जो पैलेस है, प्राग पैलेस जो चेक रिपब्लिक में, उसकी डिज़ाइनिंग इसमें लगाई गई है पूरी अंदर, बहुत ही अच्छा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप इंदौर आए हैं तो उसको ज़रूर देखें। अभी हम खड़े हैं इंदौर की सबसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिससे इंदौर का इतिहास जुड़ा है पूरा, राजवाड़ा पैलेस। तो उसके जस्ट सामने हम खड़े हैं और इसमें टोटल 7 फ्लोर है, आपको दिख रहा होगा ऊपर के जो 3 फ्लोर है वो वुड के बने हुए हैं और नीचे के हैं पत्थर के। तो ये राजवाड़ा पैलेस के सामने ये रोड पे एक गोल चक्कर है, उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर का एक बहुत ही सुंदर स्टैचू है, इस स्टैचू को आप जरूर देखें। ये है राजवाड़ा पैलेस का ग्रैंड गेट, देखते ही आपको पता लग रहा होगा कितनी ग्रैंडनेस है राजवाड़ा में। एंड टाइमिंग इसकी सुबह 11 से 7 होती है एंड मंडे को ये बंद होता है। तो जो ये राजवाड़ा पैलेस है इसको बनाने की जो शुरुआत करी थी वो मल्ला राव होलकर ने करी थी, उन्होंने होलकर डायनेस्टी की शुरुआत करी थी इंदौर में और उन्होंने 1747 में शुरुआत करी थी इस पैलेस को बनाने की, राजवाड़ा पैलेस को। जो होलकर डायनेस्टी थी उनके जो हेड थे वो थे पेशवा, तो पेशवा के अंडर थे होलकर, तो उनको इंदौर का राजपाट जो था उन्होंने होलकर को संभालने के लिए दिया था। और जो सबसे नामी इस डायनेस्टी में हुई है उनकी बहू हुई हैं अहिल्याबाई होलकर, जिनका बहुत नाम, उन्होंने बहुत कार्य करे हैं। हम महेश्वर गए थे उसमें, अगर आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग और बहुत ही अच्छे काम करे हैं अहिल्याबाई होलकर ने। तो जैसे ही पैलेस में एंटर होते हो सामने सबसे पहले आपको दिखेगा ये मंदिर, ये, और इसमें भगवान गणेश की मूर्ति। तो ये स्टार्टिंग में बनाया हुआ पूरा कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के जस्ट साइड में ये काफ़ी सुंदर ये पिलर देखने को मिलेंगे आपको। अब इस बिल्डिंग के अंदर चल के देखते हैं क्या है, ये ऐसे लग रहा है जैसे वुड के होंगे स्टोन के ही। अच्छा, तो मैं सोच रहा था ये स्टोन के बने हुए हैं लेकिन ये वुड के ही हैं, मैंने अभी इस पर हाथ लगा के देखा तो ये वुड ही हैं। यहाँ पर इस पर जो वुड का काम करा हुआ है ना बहुत ही अमेजिंग है। तो अब इस बिल्डिंग के अंदर आ गए तो बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, ऊपर आपको लाइट दिखेगी ऐसे लगेगा जैसे लैंप लटक रहे हैं ऊपर। एंड ये जो छत है सारी वुड की है तो इससे अंदर है ना सर्दियों में गर्म और गर्मियों में थोड़ा ठंडा रहता होगा। तो यहाँ पर है होलकर राज्य की स्थापना और राजवाड़े का कंप्लीट इतिहास लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे, एंड फर्स्ट फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर का कोर्टयार्ड है ये ग्राउंड फ्लोर के कोर्टयार्ड से और ज़्यादा सुंदर है। ये शैंडलियर लगाए हुए यहाँ पे काफ़ी पुराने टाइम पे है। और यहाँ से आपको अंदर जब आएंगे तो 7 मंजिल साफ दिखेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जो ऊपर की वो मीनार को भी अगर आप काउंट करें तो टोटल 7 फ्लोर हैं इसमें। अब चलते हैं लास्ट में, ये 7 स्टोरी जो बिल्डिंग है ना इसके आई थिंक ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड 3 ही फ्लोर खोले हुए हैं। तो ये 7 स्टोरी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर तक हम आए हैं, उसके बाद ये दरवाज़ा है बंद। और यहाँ से आपको सामने फ्रंट कोर्टयार्ड का बड़ा ही अच्छा व्यू आएगा, हमने आपको वो दिखा दिया, ये बिल्डिंग दिखा दी थी और ये है वो 7 स्टोरी बिल्डिंग जो मैंने आपको बताई थी। राजवाड़ा पैलेस का टूर होता है हमारा कंप्लीट, काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप इंदौर आए हैं तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, अ मस्ट विजिट प्लेस इन इंदौर। तो अभी हम आए हैं इंदौर के बहुत ही फेमस जोशी दही बड़ा हाउस में, जो सराफा बाज़ार में है, बहुत ही फेमस है ये। तो इनके खाते हैं दही बड़े और फ्लाइंग दही बल्ले के नाम से मशहूर है इनका। तो ये बस लग रहा हमारा दही बड़ा, वैसे अंकल जी होते तो फ्लाइंग दही बल्ला बनाते हवा में उड़ा के, ये भैया उनके बेटे हैं। ये बन गया हमारा दही बड़ा,
तो ये बन गया हमारा दही वड़ा, अभी बताते हैं कैसा है। अच्छा, इसमें पापड़ी नहीं है, ओनली वड़ा होता है दही और बल्ले। बहुत ही स्वादिष्ट वड़ा है, दही बहुत बढ़िया है, ठीक है। लाल चटनी बहुत टेस्टी है और जो मसाले डाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो जैसा इनका नाम मैंने सुना था वैसा ही बिल्कुल इनका टेस्ट है। तो भैया ओनर और भैया बता रहे कितने साल पुरानी शॉप है भैया आपकी? 82 ईयर्स हो चुके हैं मेरे। 82 ईयर्स हो चुके हैं, तो आपकी ये फोर्थ जनरेशन बता रहे हैं? मेरे परदादा जी ने शॉप खोली। अच्छा, तो आप फोर्थ जनरेशन है, तो 82 सालों से आप इंदौर वालों को दही बल्ले खिला खिला के खुश कर रहे हैं। ओके भैया, आपको दही बड़ा कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो ये है यहाँ की स्पेशल भुट्टे की खीस, ये है तो अपना कोकोनट नींबू, वाह। ये है भुट्टे की खीस, तो ये भुट्टे को घिस के एंड बॉइल करके बनाया जाता है। तो इसको बताते हैं खा के कैसी है। बहुत डिफरेंट चीज़ खाई है मैंने लाइफ में पहली बार, भुट्टे की खीस, पर ये ऑथेंटिक आपको इंदौर साइड में ही ज़्यादा मिलेगी। वेरी स्वीट कपल फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई, आमची मुंबई, ये हमें मिले हैं जोशी दही बल्ला में और एक कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। तो आपको कैसा लगता है इनके यहाँ का टेस्ट? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, हाँ। तो आप इंदौर साइड जब आते हैं तो आप इधर आते हैं? चलो बढ़िया, हमें भी बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलके भी। ओके, थैंक यू। जोशी दही वड़ा पे दही वड़ा खा के एंड भुट्टे की खीस खा के मज़ा आ गया। सुबह 11 से लेकर रात को 11 बजे तक इनकी शॉप खुली होती है। इनके जो प्राइस है दही वड़े के 75 एंड भुट्टे की खीस के 40 है, तो यही है 75 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा दही वड़ा है इनका। मैं कहूँगा अगर आप इंदौर में हैं तो मस्ट ट्राई प्लेस। वैसे रात को यहाँ पर एक सराफा बाज़ार भी लगता है, वो रात को हम दिखाएंगे आपको। तो ये सराफा बाज़ार जहाँ से शुरू होती है रोड, उसी के कोने पे एक स्वादिष्ट फेमस समोसे वाला है, सराफा का स्वादिष्ट समोसा कॉर्नर, समोसा विद चटनी। कितने का होता भैया समोसा? 18 रुपये का एक समोसा। टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? 11 बजे से, सुबह 11 बजे से लेकर रात को 12:30 तक रहती है। अच्छा, लंबा टाइम है। तो ये फेमस समोसा शॉप का समोसा हमने ले लिया है। बहुत क्रिस्पी है और इसमें मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है जब बाइट लेते हैं ना, और स्पेशली हींग का। तो ये स्वादिष्ट समोसे वाले के जस्ट साइड में ही है विजय चाट हाउस, इनकी खोपरा पैटीज बहुत मशहूर हैं। और भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लगी ही होगा कि कितनी फेमस शॉप है। वैसे इनकी एक शॉप 56 में भी है, लेकिन ये सबसे पुरानी शॉप है इनकी, ये वाली। ये खोपरा पैटीज यहाँ पे, वैसे ये जो पैटीज तो होती तो वैसे दूसरे टाइप की है, लेकिन इसको यहाँ पे ये खोपरा पैटीज का ही नाम रखा हुआ है। ये वैसे है बाहर, इसमें आलू की स्टफिंग है एंड इसमें अंदर है आई थिंक कोकोनट। अच्छी है, बहुत क्रिस्पी है एंड टेस्ट अच्छा है। फ्राइड खमन है ना, और ये नॉर्मल खमन है। अच्छा, ये भी यहाँ पर बड़ी डिफरेंट डिश है इनके पास, फ्राइड खमन। ये साबूदाना? साबूदाना होता है। अच्छा, फरियाली साबूदाना कहते हैं इसे। तो हमने इंदौर में ले लिया है रूम, होटल PTC इसका नाम है। तो ये होटल जो PTC है रेलवे स्टेशन से बिल्कुल पास है एंड इसका नंबर है ये, इधर कॉल करके एंड बुकिंग भी कर सकते हैं। ये है इनका रिसेप्शन एरिया, 510 रूम नंबर है हमारा। ये देखो रूम, काफ़ी डिसेंट रूम है और प्राइम लोकेशन पे है, बिल्कुल प्राइम, न्यूली बिल्ट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ही न्यूली बिल्ट है होटल। ये ना बाथरूम भी बहुत अच्छा है मतलब। तो जो ये रूम है ये हमें मिला है 2000 रुपीज़ पर नाइट में, वैल्यू फॉर मनी रूम है, होटल बहुत अच्छा है, इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये शाम के टाइम, इनफैक्ट रात के टाइम हम दोबारा आए हैं राजवाड़ा में, एंड रात के टाइम भी जो यहाँ की रौनक है ना, मैं बोल रहा हूँ जो सुबह के टाइम जो हमने देखा था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखो देवी अहिल्याबाई होलकर का स्टैचू, अब लाइटिंग में कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ आए तो राजवाड़ा को दिन में तो देख ही देखें, लेकिन रात के टाइम का जो नज़ारा है ना वो और अच्छा होगा। तो ये विजय चाट हाउस और जो स्वादिष्ट समोसा है ना, इसके बीच में से जो स्ट्रीट जा रही है सीधे, ये है सराफा बाज़ार। और यहाँ पे सुबह तो सोने का व्यापार होता है, इसीलिए इसका नाम सराफा बाज़ार है, गोल्ड मार्केट है, लेकिन शाम को यहाँ पे सज जाती हैं स्टॉल्स डेली। तो रात को 9 बजे से लेकर और रात को 2 बजे के करीब तक यहाँ पे आपको ज़बरदस्त फूड मार्केट मिलेगी, स्ट्रीट फूड मार्केट, मेरे ख्याल से इंडिया की ये सबसे बड़ी स्ट्रीट फूड मार्केट होगी। तो ये आ गए हमारे गराड़ू, जो इंदौर की एक बड़ी स्पेशल डिश है। तो यहीं आपको सराफा बाज़ार या पूरे इंदौर में मिल जाएगी,
ये आइटम अपने इंदौर में मिलेगा या फिर आगे जाके राजस्थान नाथद्वारा में जिले में इसमें कहीं नहीं मिलेगा। काफी टेस्टी है, जैसे तले हुए आलू होते हैं ना वैसे वही टेस्ट है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका बनता है गराडू, मतलब ये गराडू है, इसी को काट के एंड तल के बनाते हैं। तो ये हम आए आधे शाही पराठा, ये अंकल के जो पराठे हैं बड़े फेमस हैं, तो कई वैरायटी के पराठे बनते हैं। तो ये डल रही है चीज दबा के पराठे पे और उसके ऊपर डलेगा फिर बटर। तो एक्चुअल में पराठा बहुत हैवी है तो हम इसे खा नहीं रहे हैं। अंकल जी कह रहे हैं कि पूरा एक पराठा पूरा ही देंगे तो इसमें तो एक में हमारा पेट भर जाएगा। तो एक ये भैया है यहाँ पे और साथ में इनकी वाइफ, तो इन्होंने अभी अभी पराठा फिनिश करा। कैसा लगा आपको पराठा? जस्ट हम घर से आए हैं अभी, बस एक पराठा हमने आधा इसने खाया है, आधा मैंने लगभग खाया है। हमें कुछ जरूरत ही नहीं लग रही है कि एक्स्ट्रा और कुछ खाने की भी जरूरत, बस अब ज्यादा सा तो कुछ मीठा खाएंगे हल्का फुल्का निकल एक पराठे में का। और टेस्ट कैसा है? एक नंबर टेस्ट। अच्छा, तो आप रिकमेंड करेंगे कोई यहाँ पे सराफा में आता तो उसको ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, और 10 बार आने की करेंगे। आपने शाही पराठा ही खाया ना? ओके थैंक यू भैया। तो ये है कटोरी चाट, इसमें क्या क्या डालते हैं शर्मा जी आप? इसमें मूंग मोर चना सेव, और एक कटोरी कटोरी है मैदा की, कटोरी मैदा की घी की बनी हुई है। तो ये आ गई हमारी कटोरी चाट, खा के बताते कैसी है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। कई बार दही दही वाला गोलगप्पा ही बना लेते हैं ना, गोलगप्पा चाट, उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। ये एक टिकिया बन रही है हमारी, दो तरह की चटनी इसमें डलती है, सेव डलती है, सेव देख लिया, छोले चटनी एंड टिकिया। तो ये आ गई हमारी छोले टिकिया शर्मा जी की विथ छोले एंड सेव। सेव का छोले का और जो टिकिया का कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है ना, बड़ा ही मस्त है, बढ़िया है टिकिया, एकदम हंसता करारी एंड टेस्टी। शर्मा जी हमारे 35 साल से इंदौर की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, इनकी दुकान का नाम जयपुर चाट वाले शर्मा जी हैं। अच्छा, शुद्ध घी का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। आपको कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? मैं कम से कम 30 साल से, तो मैं भी जाता हूँ। 30 साल हो गए हैं टिकिया खाते हैं। टिकिया का शौकीन हूँ इनका। थैंक यू सर, नाम क्या आपका? डॉक्टर जी डी ओझा। ओके, तो ये है जय भोले जलेबी भंडार। तो ये जलेबा भैया एक कितने का होता है कि मतलब पेट में होने लगे? 200 ग्राम का है। अच्छा, दो जलेबा। अच्छा हाँ, कम दे रही, बहुत कम, बहुत कम, इससे भी कम। हाँ टेस्ट करना है एंड रबड़ी भी कम ही डालना। आप कितना वेट बना है इसका? ये 200 ग्राम दे रहा हूँ मैं। 200 ग्राम हो गया इतना भी? पहले तो रबड़ी खा के बताता हूँ कैसी है। बहुत ही टेस्टी रबड़ी है, और सबसे बड़ी बात है इसमें मीठा कम है। जैसे नॉर्मली कहीं पे मीठा तेज होता है तो सारा टेस्ट खराब कर देता है, इसका मीठा बहुत ही कम है, मतलब एकदम परफेक्ट है। एंड जलेबी, इतना मोटा जलेबा होते हुए भी ये क्रिस्पी बनाया हुआ है। नॉर्मली जैसे जलेबी जैसे ज़्यादा बड़ी बनाते हैं तो अपनी क्रिस्पी नहीं, थोड़ी पिलपिली सी बनती है, ये क्रिस्पी जलेबी है इतनी होते हुए। हाँ, तो भैया किस हिसाब से प्राइस, किस हिसाब से होता है इसका रेट? 70 रुपये किलो है। अच्छा, और मलाई? मलाई भी 70। अच्छा, दोनों का जो वेट आप इक्वल नापते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, तो 100 ग्राम मीन्स 60 रुपए। ओके थैंक यू, थैंक यू भैया। ये है खतरनाक वाली सराफे की भीड़ मार्केट की, नाइट मार्केट, मतलब चलने का रास्ता भी नहीं है। ये भी यहाँ पर एक बड़ी डिफरेंट सी आलू के चिप्स टाइप बनाए हुए हैं, काफी लोग इसे खा रहे हैं, मस्त लग रही है। अभी आगरा चाट, अभी आए हैं हम शिवगिरी स्वीट्स पे, और इनका गाजर का हलवा देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा थिक और बढ़िया है। तो थोड़ा सा करते हैं ट्राई। ये है गाजर का हलवा और एकदम अच्छा पकाया हुआ है, इसमें जैसे ना रेड कलर से थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ गया है, और काजू वगैरह अंदर डाले हुए, जबरदस्त मजा आ गया खाते मुंह में। ये ले लिया भैया ने नारियल। नवीन का कोकोनट क्रश किसी जूस से कम नहीं, और इंदौर शहर का सराफा किसी लंदन से कम नहीं। सच्चा ही है तो अभी लाया तोड़ के जाना नहीं छोड़ के। ये भैया देखेंगे ऊपर कटेगा नीचे, इधर देखेंगे ऊपर कटेगा किधर नीचे। बेंगलोर 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 बेंगलोर।
बेंगलोर लगेगा इंदौरी मलाई का तड़का। क्या लगेगा? इंदौरी मलाई का तड़का। तड़का पूछो कैसे? कैसे अभी बताते हैं। बेंगलोर मलाई वर्ल्ड फेमस। ये वर्ल्ड फेमस फ्रेश कोकोनट करा रेडी होने वाला है। हंड्रेड परसेंट नेचुरल। तो ये आ गया है हमारा इंदौर का स्पेशल कोकोनट क्रश जो सिर्फ यहीं मिलता है। तो इसे पी के बताता हूँ कैसा है। बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आपने कोकोनट का पानी खूब पिया होगा लेकिन जो कोकोनट क्रश है ना इसका अलग ही फ्लेवर है, एक अलग ही बात है। मतलब ये भी सराफा में मस्त ट्राई है और वो भी नवीन भाई के यहाँ का, क्योंकि जिस हिसाब से आपको ग्रीट करेंगे ना आधा दिल तो आपका वहीं निकलेंगे और आधा बचा हुआ इनका क्रश। तो अभी हम आए D&B पानी पताशी कॉर्नर पे। पताशी कहते हैं यहाँ पे। तो भैया यहाँ के स्पेशल पानी इनके पास कितने तरह का टोटल वैसे? 11 टेस्ट लेते सभी अलग अलग। 11 है? जीरा लहसुन पुदीना हाजमा जाम हींग नींबू टमाटो रेगुलर जाम पाइनएप्पल और केरी। तो 11। तो आप हमें अपने बढ़िया बढ़िया है ना जो चार खिला दो बढ़िया वाले। 11 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। ये गार्लिक का टेस्ट है लहसुन। ये गार्लिक जीरा वाले में जीरे का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। ये लहसुन वाला बताते हैं इसमें कैसा टेस्ट है। जबरदस्त लहसुन का टेस्ट है। पुदीना ये पुदीना है यार। जो भी भैया खिला रहे हैं ना लहसुन और पुदीना उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। एक और जो आप बता रहे हो आपका स्पेशल है ना वो गुआवा का है। गुआवा? अमरूद के पानी का आ गया गुआवा का। और खाने का मन कर रहा है लेकिन और भी चीज़ें ट्राई करनी है तो इसलिए यहीं रुक रहा हूँ। इनका हर फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, लिटरली मज़ा आ गया। तो भैया जो गोलगप्पे आपके 11 फ्लेवर हैं ये 40 रुपये में आप देते हैं 40 में सबका एक एक फ्लेवर ट्राई कराते हैं। और गोलगप्पे हमेशा यही आटे वाले होते हैं। अच्छा आटा सूजी मिक्स बनाते हैं जो नॉर्मली इंदौर में सबसे ज्यादा यही चलता है। तो जो ये मोमो विला है इनके मोमोज काफी फेमस है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये भैया की शॉप पे हम आए हैं और ये है कॉर्न चाट, देखते ही बड़ी टेस्टी लग रही है। अच्छा अभी इसमें और भी चीजें डलेंगी। मूल चीज है। अच्छा चीज डलेगी, कम डालना भैया। बस 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 बहुत है। नींबू डाल दो। अच्छा तो ये हमने ले लिए कॉर्न चाट। बताते हैं खाते कैसी है। यहाँ पे हम जो भी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं ना मेरे को लगता है वो सिर्फ इंदौर की सराफा मार्केट में आपको वो टेस्ट मिल सकता है और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये पवन चाट भी देखने में ऐसा लग रहा था नॉर्मल सी होगी लेकिन जब खाई है ना बहुत डिफरेंट और बहुत सही चीज़ है। तो ये भी मस्त ट्राई बन जाती है अगर आप सराफा बाजार में आए तो। तो ये मोस्ट फेमस शॉप है इंदौर की कहूँगा मैं, सराफा की तो छोड़ो इंदौर की। हमने दोपहर को यहाँ पे दही बड़ा खा लिया था और आपको दिखा दिया था तो इसलिए हम दोबारा नहीं बना रहे हैं कि, लेकिन मस्ट विजिट है ये जगह अगर आप इंदौर में आए हैं तो। तो ये है सांवरिया की शॉप, ये भी बड़ी फेमस है। इनकी छोले टिकिया एंड भुट्टे की कीस दो चीज़ बहुत ही फेमस है इनकी। ये हम भैरवनाथ निष्ठान भंडार पे आए। इनकी रबड़ी और मालपुआ कईयों ने हमें रिकमेंड किया, बहुत ही अच्छा है। ये मालपुआ ले लिया अपने गरम। ये मालपुआ है गरम एकदम है। इसके पीछे करके ये मालपुआ बनता किस चीज का है? ये मलाई का बनता है। अच्छा ये भी मलाई का होता है। बस बस वेट का हिसाब होता है इसका ना। तो ये है रबड़ी और मालपुआ, पहले इनकी रबड़ी टेस्ट करते हैं। टेस्टी है काफी। इसके साथ अब ट्राई करते हैं मालपुआ। मज़ा आ गया इसे भी खा के, बहुत ही टेस्टी है। मतलब वही है, ये भी आप याद रख लीजिए भैरवनाथ का मालपुआ रबड़ी, मस्त ट्राई है यहाँ पे सराफा। ये बन रही है हमारी साबूदाना खिचड़ी सांवरिया पे। एंड ये मिक्सचर है। हाँ
ये बूरा शक्कर का, क्या बूरा शक्कर का बूरा, अच्छा शक्कर मीठा भी डालते हैं इसमें। हाँ, और ये काली मिर्ची का मसाला, काली, ये धनिया, धनिया और ये लेमन, ये है लेमन। तो वैसे भैया क्वांटिटी में ज़्यादा बनाते हैं, 40 रुपीस की इनकी प्लेट है, हमने थोड़ी क्वांटिटी कम बनाई क्योंकि बहुत चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, तो ऐसे खाते हैं क्योंकि सब ने हमें रिकमेंड करी कि अगर आप यहाँ सराफा में आए हैं तो इनकी सांवरिया की ये साबूदाना खिचड़ी जरूर है। तो सराफा की सबसे फेमस कुल्फी और काफ़ी पुरानी दुकान नेमा, उनके ओनर नेमा कुल्फी, उनके ओनर के साथ हम खड़े हैं। अच्छा थर्ड पीढ़ी है, ये हमारा सौभाग्य, हम आपके पास खड़े हैं। ये सर ये इतने ये गोल्ड के पीछे वैसे क्या रीजन है? सर आज कुछ भी नहीं है, सराफा बाजार है, गोल्ड का मार्केट है, समंदर है, यहाँ से धीरे धीरे खरीदते चले गए, खरीदते खरीदते पहनने का शौक बढ़ गया, शौक पहचान हो गई और अब रोज पहनना मजबूरी हो गई। अच्छा आप लोगों ने फेमस ही इतना कर दिया हमें, यही खड़ा हूँ, उसके बाद में भी वर्ल्ड फेमस हो गया हूँ, तो यहाँ भी के लोग चैनल द्वारा मतलब माध्यम, चलो ये हमारा सौभाग्य है। केसर, मैंगो, सीताफल, काजू केवड़ा, पान, गुलाब, गुलकंद, जामुन, जामफल, अंजीर, बादाम, प्लेन रबड़ी, शुगर फ्री, ये हमारा एक फलूदा की सिवैया है, ये भी ये हमारा स्पेशल केसर का रबड़ी। अच्छा केसर रबड़ी, हाँ। ये क्या आता है इसमें सब्जा का फल, ये पेट के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। कौन सा फल? आयुर्वेदिक फल होता है ये। अच्छा सब्जा बोलते हैं, सब्जा। ये हमारा रोज का शरबत, ये हमारा फलूदा का स्पेशल मटका कुल्फी नेमा का फेमस। ये गई कुल्फी फलूदे में, और ये मिक्स करने के लिए इसका गोल्डन का स्टिक। अच्छा स्टिक भी गोल्ड की है आपकी? हाँ जी। अच्छा इसमें कहीं ना कहीं गोल्ड का एक फ्लेवर भी आ जाएगा जी। अब इसमें थोड़ा सा वेनिला लगा रहा हूँ इसके टेस्ट में जो बढ़ावा देता है। अच्छा तो ये फालूदा खा के बताता हूँ मैं आपको कैसा है। मुंह में जब मेल्ट हुआ है ना, ये ठंडा है, मजा आ गया, बहुत ही स्वाद है, बहुत ही स्वाद, मतलब जितनी स्वाद अंकल जी की बातें हैं ना उतना ही स्वाद ये फालूदा है, बहुत बढ़िया है। तो हमने जो भी शाही फलूदा लिया वो 140 रुपीस का है, लेकिन वर्थ है, खा के मन प्रसन्न हो गया। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो अभी सराफा फूड मार्केट से हम वापस आए हैं, स्ट्रीट फूड मार्केट से, अमेजिंग एक्सपीरियंस हमारा रहा है, और आज हमें एक चीज का पता लगा कि भाई इंदौरी इतने इसके चाट पकौड़े और इतनी डिफरेंट चीजों के स्पेशली स्ट्रीट फूड के दीवाने क्यों है, वो रीजन है सराफा फूड मार्केट, नाइट मार्केट, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो मैं यही कहूंगा कि कभी भी आप अगर इंदौर आते हैं तो आपके लिस्ट में ये सराफा नाइट फूड मार्केट तो होनी ही चाहिए। तो आज इंदौर हमने ठीक ठाक एक्सप्लोर करा, और जो बची हुई कुछ जगह हमारी, काफी सारी बची हुई जगह इंदौर में, तो उसको हम कल एक्सप्लोर करेंगे।